गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर प्रीति उदेनिया फ्रॉम परवरिश स्कूल। स्टूडेंट्स, डू यू नो 14 सितंबर को क्या है? 14 सितंबर को है हिंदी दिवस। अब हम हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं? वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हमारी हिंदी भाषा को नेशनल लैंग्वेज चुना गया था, राष्ट्रीय भाषा चुना गया था। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा चुनी गई थी 14 सितंबर 1949 को। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम हिंदी दिवस कैसे सेलिब्रेट करेंगे 14 सितंबर को, उसके लिए मैं आज आपको एक हिंदी से रिलेटेड एक इजी सी ड्राइंग सिखाने वाली हूँ, जिसको आपको अपने घर पर बनाकर उसके पिक्स हमें 14 सितंबर को सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करते हैं हमारी ड्राइंग। लेट्स स्टार्ट। प्लेन पेपर पर अपनी आप मैंने विदाउट पाम रखे ड्रॉ कर लिया है, बट आप लोग अपने ऐसे पाम रखकर उसकी आउटलाइनिंग करके इस तरह से अपने पाम का शेप ड्रॉ करके नीचे से उसको ट्री जैसा लुक देना है, लाइक दिस। ओके, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप अपने स्टाइल से भी लिख सकते हो, मैं आपको अपने तरीके से लिखकर बता रही हूँ। तो यहाँ आपको नीचे लिखना है हिंदी दिवस। ओके, ये मैं अपने तरीके से लिख रही हूँ, आप इजी तरीके से जो आप इजी फॉर्म में लिख पाओ आप लोग वैसे लिखिएगा, हिंदी दिवस। स्केल की हेल्प ले सकते हो आप लोग, विदाउट स्केल भी आप लोग लिख सकते हो, जिस तरह से आपको इजी होना चाहिए, इजी पढ़ना चाहिए आपको लिखने के लिए ना, आप उस तरह से लिखिएगा। कुछ कटआउट्स भी आते हैं लेटर्स वाले, अगर आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो उनको रख कर भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपने सिंपल फॉर्म में भी आप उसको लिख सकते हो। ये देखो, ये मेरा हिंदी लिख गया। अब मैं नीचे लिखूंगी दिवस, इसी तरह से मैं उसको भी कंप्लीट करूंगी दिवस लिख के। और ये देखो, मैं अब आपको सीधे दिखा रही हूँ, ये मेरा पूरा लिख गया था, उसके बाद मैंने कलर किया नीचे हिंदी को और दिवस को जो है मैं ट्राई कलर से कलर किया है, सेफ्रन वाइट और ग्रीन कलर से। और ऊपर जो मेरा पाम प्रिंट जो मैंने ड्रॉ किया था उसको मैंने ब्राउन कलर से कलर कर लिया है। और ये मेरा रेडी हो गया है हिंदी दिवस लिख के। ये दिवस को मैं डार्क, आप किसी भी अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मैम आपको ऐसे करके बता रही है तो आपको एज इट इज़ करना है, कलर चॉइस आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। ये मेरा हो गया लिखकर रेडी हिंदी दिवस। अब मैं इसकी आउटलाइनिंग भी कर दूंगी हिंदी की। आउटलाइनिंग करने से ना अच्छा अट्रैक्टिव लगता है, हमारी कोई भी ड्राइंग होती है अगर हम आउटलाइनिंग करते हैं तो अट्रैक्टिव लगती है, अगर विदाउट आउटलाइनिंग आप अपनी ड्राइंग छोड़ते हो तो वो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। और कई बार ये होता है ना, जैसे कुछ मिस्टेक भी या कमी भी हमारी ड्राइंग में हो गई है तो वो आउटलाइनिंग होती है तो फिनिशिंग लगती है हमारी प्रॉपर ड्राइंग, पूरी फिनिशिंग ऐसा लगता है कि हाँ कंप्लीट करके बनाया हुआ है। ये देखिए, आउटलाइनिंग करने के बाद और अच्छा लगने लगा, हिंदी दिवस मेरा लिख गया है। अब हमें क्या करना है, हमें अपनी इस ट्री की भी आउटलाइनिंग कर देते हैं। ट्री की आउटलाइनिंग होने के बाद मुझे इस ट्री पर क्या लगाना है, अब इस ट्री पर लीव्स और वो तो नहीं बनेंगे, इस ट्री पर हम लिखेंगे हमारे अक्षर, स्वर और व्यंजन आप सब लिख सकते हो इस ट्री के ऊपर, आपको वही लिखना है इस तरह से। ये देखो, आप पूरे ट्री को आपको उससे भरना है, दूर दूर आप इस तरह से करके पूरा ट्री आपका भर जाएगा। आप कोई भी अक्षर ले लो, कुछ अक्षर आप निकाल लो और वो अक्षर लिख के आउटलाइनिंग करके, मैंने डबल उसमें करके लिखा है, आप सिंगल से भी लिख सकते हो। इस तरह से मैं आपको पूरे इसको अक्षरों से फिल कर देना है, आपकी ड्राइंग पूरी हो जाएगी।
इस तरह से हमारी ड्राइंग बनकर तैयार है। आप लोगों को भी इस तरह से ये ड्राइंग बनानी है और हमें पिक सेंड करने हैं 14 सितंबर तक। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।